अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल माय नेम इज सुल्तान हैदर कैसे हैं आप लोग गाइस आप सब लोग जानते हैं कि आईफोन 13 की जो रिलीज़ डेट है वो दिन ब दिन करीब आती जा रही है और बहुत सारी लीक्स एंड र्यूमर्स हमारे सामने पहले भी आ चुकी हैं लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है हमारे सामने मज़ीद लीक्स और मज़ीद कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं जो जिसके बारे में बहुत सारी लीक्स और र्यूमर्स हैं आज के वीडियो में कुछ नई जो लीक सामने आई हैं उनके बारे में बात करूंगा इसके साथ साथ मैं एक्सपेक्टेड रिलीज डेट के बारे में भी बात करूंगा कि क्या uh, ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि लास्ट ईयर की तरह इस साल भी एप्पल में भी आई फोन की जो लाइनअप है उसको लेट रिलीज़ करे जैसे पिछले साल जो uh, आई फोन ट्वेल्व मिनी और 12 प्रो मैक्स था ये दोनों uh, जो बड़े मॉडल थे ये अक्टूबर में रिलीज़ किए गए थे जबकि 6.1 इंच में आई फोन ट्वेल्व और 12 प्रो के जो मॉडल थे उसको सितंबर में लॉन्च किया गया था तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या इस साल भी आई फोन की जो लाइनअप है क्या उसे सितंबर में रिलीज़ किया जाएगा या फिर अक्टूबर में रिलीज़ किया जाएगा सो so आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड पे मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूंगा कि इस साल की जो आई 13 की रिलीज़ डेट्स हैं वो क्या हो सकती हैं क्या पॉसिबल रिलीज़ डेट हैं कौन सी ऐसी बातें जो हमारे सामने आ रही हैं जिनसे पता चल रहा है कि आई 13 की जो पॉसिबल डेट्स हैं वो क्या हो सकती हैं सो मेरे साथ रहिएगा चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज आईफोन 13 के जितने भी एक्सपेक्टेड फीचर हैं मैं उनके ऊपर पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूं मैं यहां पे आई बटन में उनका आपको लिंक दे दूंगा आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा उन वीडियोस में मैंने डिटेल में बात की है कि इस साल आईफोन 13 की जो लाइनअप है उसके अंदर हमें कौन से मेजर फीचर जो हैं वो देखने को मिलेंगे लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे र्यूमर्स के ऊपर बात करूंगा जिनका ताल्लुक कैमरा से रिलेटेड है क्योंकि कैमरा से रिलेटेड कुछ ऐसे फीचर हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें सबसे पहला जो फीचर है वो पोर्ट्रेट वीडियो के बारे में जी हाँ इससे पहले आप लोगों को पता है कि आईफोन में टू थाउजेंड में एप्पल ने आईफोन 7 प्लस में पोर्ट्रेट मॉड का जो फीचर था वो लॉन्च किया था यानी कि ये फीचर सिर्फ लिमिटेड था फोटोज़ के साथ और इससे इतनी कमाल की फ़ोटोज़ आती थी कि बहुत दफ़ा तो लोगों को लगता था कि शायद ये फ़ोटोज़ किसी ने डी के ऊपर ली हैं लेकिन पोर्ट्रेट का ये जो फ़ीचर था जिसमें आपकी पिक्चर्स में एक बुके अफेक्ट क्रिएट हो जाता था यानी कि आपका जो सब्जेक्ट था वो ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आता है और आपका पीछे एक ब्लरी बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता है और और ली गई फोटो ऐसे लगती है कि जैसे उसे किसी एक प्रोफेशनल कैमरा से लिया गया है सो so ये फीचर जो था ये सिर्फ फोटोज तक ही लिमिटेड था लेकिन इस साल ब्लूमबर्ग के महागमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल का ये जो फीचर है यानी पोर्ट्रेट मोड का जो फीचर है ये हमें वीडियो में भी देखने को मिलेगा क्योंकि इससे पहले अगर आप वीडियो में बुके इफेक्ट का फीचर जो यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप्स का सहारा लेना पड़ता है लेकिन थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए ये इफेक्ट इतना ओरिजिनल नजर नहीं आता इतना नेचुरल फील नहीं होता जितना कि कैमरा ऐप के जरिए अगर ओरिजिनल कैमरा ऐप में ये फीचर हो तो वो ज्यादा अच्छा फील होता है सो इस साल आईफोन थर्टीन के जो स्पेशली जो प्रो लेवल्स के जो कैमरा यानी प्रो सीरीज़ के जो कैमरा यानी उसमें थर्टीन प्रो और थर्टीन प्रो मैक्स के कैमरा में हमें यह फीचर देखने को मिलेगा क्योंकि इस फीचर की वजह से आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल की होगी और ओवरऑल उसकी जो लुक है वो बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आपने इस वीडियो को किसी बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल कैमरा पे शूट किया है गाइस इसके साथ साथ आईफोन 13 की कैमरा से रिलेटेड जो फर्दर न्यूज सामने आ रही है उसमें एक न्यूज़ प्रो रेस से रिलेटेड है प्रो रेस बेसिकली एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर जब हम वीडियो शूट करते हैं तो हमारी जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो बहुत ही कमाल की होती है जबकि आपका जो वीडियो का कंप्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता यानी वो कंप्रेस इतना ज़्यादा नहीं वीडियो को कर देता फॉर्मेट के जिससे आपकी जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो डैमेज होती है यानी ये वाला जो फॉर्मेट होता है ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए आ, वीडियो रिकॉर्डर्स जो बेसिकली एडिटिंग करते हैं जिनको हाई रेजोल्यूशन में आ, आ, वीडियोस चाहिए होती हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सही रहती है जैसा आपको पता है कि आईफोन 12 में भी एप्पल ने प्रो रॉ का एक फीचर दिया था जिसमें आप अगर प्रो रॉ का फीचर यूज़ करते हुए फोटोज़ लेते हैं तो वो फ़ोटो की जो क्वालिटी होती है उसकी जो रेजोल्यूशन होती है और उसकी जो डिटेल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ताकि एडिटिंग में आप जितना मर्जी उसको क्रॉप कर लें या जितना मर्ज़ी उसको जूम इन जूम आउट करके उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो वहां पे बिल्कुल इस तरीके से प्रो रॉ की तरह हमें वीडियो में भी ये एक फॉर्मेट देखने को मिलेगा कि अगर हम उसको यूज़ करते हुए वीडियो कैप्चर करते हैं तो मे बी हम ऐट के रेजोलूशन तक भी उसको ले जा सकते हैं यानी कि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें एट के रेजोल्यूशन एप्पल में आ, मिलती है देखने को तो हम वहाँ तक भी इस फॉर्मेट के जरिए वीडियो शूट कर सकते हैं लेकिन बेसिकली प्रो रेज का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है लेकिन इसमें फाइल साइज बड़ा होता है और कंप्रेशन रेट इतना ज्यादा नहीं होता कि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो डैमेज हो जाए सो so बेसिकली ये प्रोफेशनल जो लोग होते हैं जो बेसिकली एडिटिंग करते हैं फाइनल कट प्रो के ऊपर अडोबी प्रीमियर के ऊपर या जो बेहतर तरीके से फुटेज को चाहते हैं कि जब हम इसको री अपलोड करें या किसी भी जगह पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें तो उसकी क्वालिटी है वो डैमेज ना हो तो वो फिर प्रो रेस के ऊपर इसको यूज़ करते हैं प्रो रेस को यूज़ करते हुए वीडियो बनाते हैं और ये भी पॉसिबल है कि प्रो रेज़ का ये जो फीचर है और इसके साथ साथ जो वीडियो पोर्ट्रेट मोड जो है इन दोनों फीचर्स का जो ताल्लुक है ये आईफोन 13 प्रो की जो सीरीज़ यानी प्रो और प्रो मैक्स जो है मॉडल उनके साथ ही हो यानी कि जो सिंपल मॉडल है थर्टीन और थर्टीन मिनी वहां पे हमें ये दोनों फीचर्स देखने को ना मिले गाइस थर्ड फीचर जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका ताल्लुक भी कैमरा ऐप से ही है बेसिकली एप्पल ये प्लान कर रहा है कि इस साल फ़ोटो ऐप में जब हम फोटो एडिट करते हैं तो वहाँ पे जो हमें डिफरेंट ऑप्शन नज़र आती हैं एप्पल उसको नेक्स्ट लेवल तक इंप्रूव करने जा रहा है यानी कि हमें जो अभी फ़िल्टर नज़र आ रहे हैं वो इतने प्रोफेशनल नहीं हैं कि जैसे आप एक प्रोफेशनली कहीं किसी ऐप में जाके आप फ़ोटो को एडिट करते हैं उसकी ब्राइटनेस को उसकी कंट्रास्ट रेशो को या उसमें जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वार्मर हैं या कूलर कलर हैं उनको यूज करते हुए नेचुरल लाइट को यूज़ करते हुए तो ये सारी चीज़ें एप्पल इनको आ, इस साल जो पॉसिबल है कि अपने सॉफ्टवेयर में यानी आई 15 में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी और इस तरीके से हम अपनी जो फोटोज़ हैं उनको बहुत ही बेहतर वे में उसको एडिट कर सकते हैं और बेसिकली एप्पल ये प्लान कर रहा है कि बिल्कुल जो एक रियल लाइफ कलर्स होते हैं वो आपके सामने आए एक बैलेंस्ड वे में एक यानी कि जो ओवर सैचुरेटेड कलर है उस तरह का ना हो आपको पता है कि एप्पल का शुरू से भी ये स्टाइल रहा है कि एप्पल की जितनी भी फोटोज़ होती हैं वो एंड्रॉयड इंडस्ट्री के जितने भी फ़ोन होते हैं उनसे इसलिए डिफरेंट होती है कि वहाँ पर आपकी इमेजेस जो होते हैं वो बहुत मॉडिफाइड होते हैं ओवर सैचुरेटेड कलर होते हैं लेकिन यहाँ पे एप्पल का जो आपको एक रिजल्ट होता है वीडियो का या फोटो का वो आपको थोड़ा नेचुरल फील होता है नेचुरली जो आपके कलर्स होते हैं वही सामने आते हैं तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एप्पल इस साल भी अपने फोटोज ऐप में ये चीज़ इंक्लूड कर रहा है ताकि आप बेहतर तरीके से अपने जो फोटोज़ हैं उनको एडिट uh, कर सकें और उनमें एक नेचुरल वे में जो इंप्रूवमेंट्स होती हैं वो आप ला सकें सो so, सुगा ये फीचर थे जिनका ताल्लुक कैमरा से था इसके अलावा आपको पता है कि इस साल हमें बेटर नॉच देखने को मिलेगी uh, इससे पहले भी कुछ र्यूमर्स और कुछ रिपोर्ट्स uh, इस तरह की आई थी जिसमें हमें पता चल रहा है कि इस साल की जो नॉच होगी वो पहले से ज्यादा इंप्रूव होगी यानी कि शॉर्टर होगी आप कह सकते हैं कि ट्वेंटी टू थर्टी जो नॉच का साइज है वो हमें कम देखने को मिलेगा क्योंकि इस साल नॉच का जो डिजाइन है उसके बारे में कुछ ऐसी फोटोज हमारे सामने आ रही हैं जहां हमें ये देखने को मिल रहा है क्योंकि नॉच के दरमियान में जो एयर पीस है उसको वहां से निकाल कर उसको ऊपर इंस्टॉल किया जा रहा है जिसकी वजह से नीचे वाला जो मॉड्यूल है वो थोड़ा कंट्रैक्ट हो जाएगा थोड़ा आपस में सिमट जाएगा जिसकी वजह से नॉच का जो ओवरऑल वेथ है वो उसकी कम हो जाएगी तो ये बेसिकली हार्डवेयर में एक मेजर डिजाइन चेंज है इस साल आईफोन 13 की सीरीज हमें देखने को मिलेगा इसके साथ साथ एल टी डिस्प्ले यानी प्रो मोशन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स हैं कि वो इस साल डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगी यानी वन ट्वेंटी रिफ्रेश रेट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है ये सारे फीचर्स हमें इस साल आईफोन थर्टीन की लाइनअप में देखने को मिलेंगे सो so गाइज अब हम बात करते हैं आई फोन की लॉन्च डेट के बारे में लास्ट ईयर आपको ट्वेंटी में पता है कि पेंडेमिक की वजह से एप्पल uh, की जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो चेंज हो गई थी यानी सितंबर में uh, कुछ फ़ोन लॉन्च किए गए थे और दो फ़ोन जो थे उसको अक्टूबर में लॉन्च किया था सो so, इस साल पॉसिबल है कि हमें किसी किस्म का डिले ना देखना पड़े क्योंकि एप्पल ने अपने सप्लायर्स को वॉर्न किया कि वो इस साल जो आईफोन 13 की जो लाइनअप है उसको प्रॉपर टाइम पर रिलीज़ करना चाहता है अब Apple के जो मेन सप्लायर हैं जिसमें फॉक्सकॉन है लेंस टेक्नोलॉजी है लक्स चेयर हैं इन सब ने आ, मसला ये था कि यहाँ पे वर्कर्स की बहुत कमी थी और पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था लोगों को जॉब्स में और बहुत सारे लोग आपको पता है कि जॉब्स नहीं कर पा रहे थे कुछ लोग बीमार थे जिसकी वजह से ओवरऑल शॉर्टेज थी अब इन तीनों कंपनीज ने अपने वर्कर्स को कुछ इस तरह से हायर किया है कि इनके जो इंसेंटिव है यानी बोनसेस जो हैं उनको बिल्कुल डबल कर दिया है और कंडीशन ये रखी है कि, कि अगर कोई वर्कर डबल बोनस लेना चाहता है तो उसको कंपनी के साथ 90 डेज यानी तीन माह तक प्रॉपर काम करना होगा विदाउट एनी गैप यानी कि वो छोड़ के नहीं जा सकता तो ये कंडीशन है और इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हुए हैं जॉब करने के लिए सो so गाइज इस सारे सिनेरियो की वजह से हमें ये चीज़ें कन्फर्म होती नजर आ रही हैं कि इस साल एप्पल कि जो 13 की जो रिलीज है वो प्रॉपर टाइम पे होगी और जो डेट एक्सपेक्टेड है वो फोर्टीन ऑफ सितंबर है यानी फोर्टीन ऑफ सितंबर को पॉसिबल है कि एप्पल अपने इवेंट में आईफोन 13 की लाइनअप को अनवील करे अब पॉसिबल है कि ये डेट सितंबर में ही आगे पीछे हो सकती है लेकिन अभी की जो न्यूज है उनके मुताबिक फोर्टीन ऑफ सेप्टेंबर जो है वो आईफोन थर्टीन की जो रिलीज डेट पॉसिबल हो सकती है सो so गाय ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई आईफोन थर्टीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि एप्पल से रिलेटेड इस तरह की इन्फॉर्मेटिव आपको मिलती रहें इन बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक, तक के लिए मुझे दें इजाजत अल्लाह हाफिज पीस